चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आईसीआर का रैंक लेटर जारी हो चुका है और इसकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है icrexam.net की वेबसाइट पर। तो जैसे ही इसकी वेबसाइट पर हम विजिट करेंगे, यहाँ पर आपको पूरा शेड्यूल मिलेगा इसका। तो एक बार हम इसके शेड्यूल के बारे में देख लेते हैं, फिर इसकी सीट मैट्रिक्स और फीस के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हैं, वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट 17 नवंबर 21 से स्टार्ट हो चुके हैं और इनकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की और काउंसलिंग फीस डिपॉजिट करने की, वो 22 नवंबर 21 रखी गई है। इसके बाद आप चॉइस फिल कर सकते हैं 23 नवंबर 21 तक। तो ये तो है रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल। अब इसमें चार प्रकार के राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और मॉपअप राउंड। तो फर्स्ट राउंड का हम शेड्यूल देखते हैं तो सीट अलॉटमेंट हो जाएगा 26 नवंबर 21 को। इसके बाद में आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और जो ऑनलाइन अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उनकी लास्ट डेट 29 नवंबर 21 रखी गई है इसमें। इसके बाद में यूनिवर्सिटी द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो वेरीफाई किए जाएंगे, उसकी 1 दिसंबर 21 डेट रखी गई है। इसके बाद में आप रीसबमिशन, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसको रीसबमिट कर सकते हैं 2 दिसंबर 21 तक। इसके बाद में जो रीसबमिशन का, जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स का रीसबमिशन का जो टाइम है वो 2 दिसंबर 21 तक रखा गया है। इसके बाद में आपने सीट ज्वाइन करनी है, एक्सेप्ट करनी है और उसकी फीस डिपॉजिट करनी है, वो 3 दिसंबर 21 तक करनी है। इसके बाद में सेकेंड राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है वो तो नहीं होगा, इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, लेकिन सीट अलॉटमेंट होगा। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इसमें जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 3 राउंड के लिए फर्स्ट राउंड में ही होता है, पहले ही होता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड राउंड के लिए एक बार होता है, फिर मोपअप राउंड में एक बार रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन किया जाता है, चॉइस फिलिंग भी फिर से ओपन की जाती है। लेकिन फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में जो चॉइस फिलिंग है और रजिस्ट्रेशन है वो आपने फर्स्ट राउंड में किया है वही मान्य होगा सेकेंड राउंड में भी। तो सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट 8 दिसंबर 21 को हो जाएगा। इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स अपलोड की जो लास्ट डेट है वो 11 दिसंबर 21 रखी गई है। तो इस प्रकार से ये इसका शेड्यूल है सेकंड राउंड का और ये सेकंड राउंड एंड हो जाएगा 17 दिसंबर 21 को। इसके बाद में थर्ड राउंड स्टार्ट होगा। तो थर्ड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट होगा वो 22 दिसंबर 21 को हो जाएगा और जो लास्ट डेट रहेगी इसकी, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड की, वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड की लास्ट डेट 25 दिसंबर 21 रहेगी। इसके बाद यूनिवर्सिटी वगैरह का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो 28 तक होगा और उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है तो आप रीसबमिशन कर सकते हैं 29 दिसंबर 21 तक। और ये जो थर्ड राउंड है इसका एंड हो जाएगा 31 दिसंबर 21 को। इसके बाद में मोपअप राउंड स्टार्ट होगा। इसमें जो सीटें वैकेंट रहेंगी वो डिस्प्ले की जाएंगी कि कितनी सीटें वैकेंट हैं, यानी कि सीट मैट्रिक्स आएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में नहीं किया था वो कैंडिडेट मोपअप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसमें च्वाइस फिल कर सकते हैं इसमें। तो इसमें जो इसकी जो डेट रखी गई है वो डेट रखी गई है 1 जनवरी 22। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग फीस पेस करने की जो लास्ट डेट है वो 4 जनवरी 22 रखी गई है इसमें। चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट 5 जनवरी तक कर सकते हैं। इसके बाद मोपअप राउंड का सीट अलॉटमेंट 7 जनवरी को आ जाएगा। इसके बाद में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं 10 जनवरी को और लास्ट डेट रहेगी इनकी 12 जनवरी 22। इसके बाद में जो मोपअप राउंड की जो काउंसलिंग है, लास्ट जो काउंसलिंग रहेगी वो 15 जनवरी 22 रहेगी, इसकी आईसीआर की काउंसलिंग की लास्ट डेट। तो ये एक पूरा का पूरा शेड्यूल है आईसीआर की काउंसलिंग का।
अब इसमें आपने रजिस्ट्रेशन करना है तो लेफ्ट साइड में इम्पोर्टेंट लिंक्स दिए गया है, इसमें एप्लीकेंट लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपने यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं एप्लीकेशन नंबर फिल करके, और इसमें एक फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी है। अगर आपके पास सिर्फ एप्लीकेशन नंबर ही है, पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड भूल चुके हैं, तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर फिल करके आप इसमें पासवर्ड को फॉरगेट भी कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो इसमें ऑप्शन आता है, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो इसमें ऑप्शन आता है, रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन है, इसमें रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो इसमें एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड डालकर सबमिट करेंगे तो इसमें आपके पास में पासवर्ड आ जाएगा। ये तो इस प्रकार से आप इसका रीसेट पासवर्ड कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसमें। तो ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन का और पासवर्ड का। अब इसमें हम बात करते हैं कि आपको और जानकारी लेनी है तो यहाँ ऑनलाइन काउंसलिंग ब्राउचर दिया गया है, तो इसमें यूजी और पीजी दोनों का ब्राउचर दिया गया है। तो अगर आप यूजी की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो एक बार इसमें यूजी पर क्लिक करके इसका ब्राउचर रीड कर ले आप, क्या इसमें कंडीशन है, कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह का पूरा इसमें प्रोसेस दिया गया है कि कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करना है, तो इस प्रकार से पूरी इसमें ब्राउचर में डिटेल दी गई है, तो ये वहां से आप डिटेल चेक कर सकते हैं। इसके बाद में इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो सीट मैट्रिक्स और फीस डिटेल्स है। इसमें यूजी, पीजी, पीएचडी तीनों कोर्सेज के लिए इसमें फीस की डिटेल दी गई है और इसमें सीट मैट्रिक्स भी दिया गया है। तो आप अगर यूजी का देख रहे हैं तो यूजी पर क्लिक करके आप सीट मैट्रिक्स वगैरह चेक कर सकते हैं और इसके आगे फीस दी गई है वो फीस भी आप चेक कर सकते हैं इसमें। इसके बाद में इसमें आगे हेल्प डेस्क का ऑप्शन है, तो इसमें हेल्प डेस्क में आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें, तो इसमें आगे आपको हेल्पलाइन नंबर दिए गए होंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इसमें जो ऑफिस वर्किंग टाइम है उसमें आप कॉल करके आपको जो भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम में हेल्प डेस्क से अपने सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आईसीआर की इसमें पूरी कंडीशन दी गई है, इस प्रकार से आप पूरा इसमें देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा इसमें शेड्यूल दिया गया है किस प्रकार से आपने रजिस्ट्रेशन करना है। इसके अलावा इसमें प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी दी गई है, तो राइट साइड में क्लिक हेयर का ऑप्शन आ रहा है, इसमें प्रीवियस ईयर का डाटा दिया गया है, कट ऑफ दिया गया है, तो इसमें आप कोर्स वाइज ईयर वाइज जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है वो भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी आईसीआर के बारे में। आप रजिस्ट्रेशन करके इसमें आप कॉलेज फिल करके कॉलेज ले सकते हैं। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।